हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैंसर टॉपिक के बारे में बताया था और हमने कैंसर टॉपिक स्टार्ट की थी और हमने ये भी देखा था कि कैंसर जो होता है उसके कॉजिंग फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से कैंसर हो जाता है और जब कैंसर होता है तो नॉर्मल सेल्स और हमारे जो कैंसरस सेल हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस रहती हैं। नॉर्मल और कैंसरस सेल भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज का क्लास वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आज आपको बताया जाएगा कि कितने टाइप्स का कैंसर होता है और साथ ही इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्यूमर के बारे में बता दूं कि ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैंसर में क्या होता है कि सेल जो होता है इसका एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, और ये कई सारे नए नए सेल्स जो होते हैं इसमें बन जाते हैं ना, एक्स्ट्रा सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो जब एक सेल में कई छोटे 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 दूसरे सेल्स बन जाएं, अनवांटेड ग्रोथ हो जाए, तो इसी क्लस्टर को, इसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, है ना। तो ट्यूमर जो होता है ये पहचान है कि पर्सन के बॉडी में जो सेल है वो अब नॉर्मल नहीं रहा, वो सेल अब कैंसरस सेल हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स में। जब हम ट्यूमर देखते हैं तो ट्यूमर में बेसिकली दो तरह का ट्यूमर जो है उसके बारे में बताया गया। नंबर वन जो होता है दैट इज बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो दो तरह के ट्यूमर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो बेनाइन ट्यूमर मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो अपने ही एक दायरे में फिक्स रहे, यानी कि जहाँ पर कि सेल में ट्यूमर हुआ है वो उसी जगह पर फिक्स है, ये किसी दूसरे सेल को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि किसी दूसरे सेल को ये डैमेज नहीं करेगा, ये एक ही जगह पर रह जाता है। जैसे बहुत सारे वॉट के बारे में मैं अगर आपको बता दूँ, वॉट्स इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। वॉट्स का मतलब होता है मासा, जिसको हम कहते हैं। तो एक छोटा सा लंप बना, किसी किसी के फेस पर आप देखते होंगे छोटा सा मासा का लंप्स होता है या फिर एक्स्ट्रा सेल हो जाती है, तो वो उसी जगह पर है। वो चाइल्डहुड से है अगर तो उसी जगह पर, ओल्ड एज में भी है, उससे किसी तरह का कोई खास डैमेज नहीं हुआ और ना ही वो किसी दूसरे सेल को डैमेज कर रहा है, तो वो भी एक ट्यूमर ही है क्योंकि उसमें भी एक्स्ट्रा सेल है, एक्स्ट्रा मास ऑफ सेल है, लेकिन दैट टाइप ऑफ ट्यूमर इज बेनाइन ट्यूमर। लेकिन दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इस तरह के ट्यूमर अपने आसपास, अगर इनके आसपास में कुछ सेल्स हैं मान लीजिए, तो ये इनको भी अफेक्ट करेंगे, इनको भी, यानी कि अपने आसपास के सभी सेल्स को ये क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये जिस जगह पर होता है उस जगह से ये फैलता है, दूसरे दूसरे बॉडी के पार्ट्स को भी ये क्या करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, दूसरे सेल्स को डैमेज करता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो डेंजरस होता है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो अपने पोजीशन पर ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि ट्यूमर की डेफिनेशन क्या होगी और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपके बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ट्यूमर क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज ट्यूमर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो लेट्स हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्यूमर नाउ। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर एज वेल एज द टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ट्यूमर के लिए जो डेफिनेशन आपको मैंने दी है क्या है, दीज आर नोड्यूल्स लाइक मासेस फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यानी कि जब अनियमित विभाजन होता है उस समय क्या होता है कि बहुत सारे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं जिसके वजह से मास बन जाता है, एक क्लस्टर बन जाता है, एक झुंड बन जाता है सेल का, और उसी झुंड को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि कैंसर रोग उत्पन्न होने के समय जब किसी कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होता है तब उसमें कोशिकाओं का एक समूह देखा जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो है, दैट इज बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, ये ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करता है क्योंकि ये एक ही पोजिशन पर लोकलाइज्ड रहता है, जहाँ पर यह ट्यूमर फॉर्म होगा ये बस उसी टिश्यू तक ही रहता है, दूसरे किसी टिश्यू को ये डैमेज नहीं करता है। लेकिन जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये फैल जाता है, जिस जगह पर ये क्रिएट हुआ वहां से ये दूसरे टिश्यूज को भी डैमेज कर देता है। तो यहां पे आपको मैंने एक बात बताई, मान लीजिए ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है,
ठीक है, दिस इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर और इसके आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, तो ये सबको क्या करेंगे, एक एक करके डैमेज कर देंगे, हर एक सेल को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अगर एक ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, आसपास के सभी टिश्यूज़ को, सभी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दे और ये एक से दूसरे तक फैल जाए, देन दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड आपको एक डेफिनेशन देनी होगी, एंड द टर्म इज, जो टर्म हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेटेड है, दैट इज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक कैंसरस सेल अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले सेल्स को क्या कर दे, डैमेज कर दे, ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल थ्रू ब्लड एंड डैमेज अदर टिश्यूज इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी कि कैंसर सेल का फैलकर, ब्लड के जरिया कैंसर सेल का फैलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर किसी दूसरे नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर देना मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है, ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी बिनाइन ट्यूमर के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जगह नहीं फैलते हैं, एक ही जगह पर लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये दूसरी जगह पर फैल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे ट्यूमर की। आगे देखते हैं कि कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये सवाल किया कि कितने टाइप का कैंसर होता है, और भी बहुत ही तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप हमेशा पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपका कंप्लीट सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि मुझे नए आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस करने में काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि आप उस आइडियाज़ को समझते हैं और उस चीज़ को वैल्यू करके आप क्वेश्चंस भी पूछा करते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। नाउ तो यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स का कैंसर है और कैसे होती है कैंसर की डिटेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कैंसर नाउ। नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर को बेसिकली थ्री ब्रांच में, थ्री टाइप्स में हमने डिवाइड करके रखा, ताकि थ्री टाइप्स जो है वो समराइज कर देते हैं सभी टाइप्स के कैंसर को। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन से रिलेट कर सकते हैं आप। कार्सिनोजेन का मतलब आपको बताया गया है कि वो कोई भी चीज़ जो कैंसर कॉज करती है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर, तो उसको हम कार्सिनोजेन कहते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कार्सिनोमा। ठीक है, ये कैंसर जो होता है ये बेसिकली उस पोजिशन का होता है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन से जुड़े हुए होते हैं। एक्टोडर्मल ओरिजिन जो होती है, हमारी बॉडी को थ्री जर्म लेयर में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड इंडोडर्मल, है ना। तो जो सबसे बाहरी होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो जर्म लेयर है, हमारा जनन स्तर जो सबसे बाहरी है, उसी को हम कहते हैं एक्टोडर्मल। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन से जुड़ा हुआ जो भी ऑर्गन है उसमें अगर कैंसर होता है तो उस तरह के कैंसर को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके लिए क्या लिखा गया, मैलिग्नेंट ग्रोथ। सबसे पहली बात, मैलिग्नेंट ग्रोथ का मतलब आपको समझा चुके हैं हम कि ये अपने तक ही नहीं रहेगा, बल्कि अपने से जुड़े हुए कई सारे दूसरे सेल्स या ऑर्गन्स को भी क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो इसका जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है, यानी कि ये आक्रामक होते हैं, दूसरे को भी ये क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गन्स को भी ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, है ना। जनरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड अफेक्ट एपिथेलियल टिश्यू। इनका जो ओरिजिन है, अस्तित्व है, ये बाहर के आवरण से जुड़ा हुआ है, एक्टोडर्मली होता है, और ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे स्टमक कैंसर, स्टमक में होने वाला कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर, पैनक्रियाज या ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल में काफ़ी नॉर्मल है और काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज ऑफ सम लम्प्स क्रिएटेड इन द ब्रेस्ट, कुछ गुत्थियाँ बन जाती हैं जो ब्रेस्ट
को डैमेज करती हैं। उसी तरह से स्टमक कैंसर एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नोटिसेबल। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कार्सिनोमा। सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज सार्कोमा। सार्कोमा भी जो होता है ये मैलिग्नेंट ही इसका नेचर है, क्योंकि ये भी अपने जगह तक नहीं रहेगा, ये भी किसी दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो ये मेसोडर्मल ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि हमारी जो बीच का जनन स्तर है, मेसोडर्मल ओरिजिन, जैसे हमारी मसल्स हो गई, मांसपेशियां हो गई, हमारी हड्डियां हो गई, ये हमारे मेसोडर्मल ओरिजिन से जुड़ी हुए ऑर्गन्स हैं। हमारे लिम्फ नोड्स हो गए, तो इन सब जगह पर क्या होता है, जो कैंसर क्रिएट होता है, इसी को हम सार्कोमा कहते हैं। इसमें मैंने कुछ कैटेगरीज दिया, मसल्स में होने वाला कैंसर जो होता है दैट कैन नोन एज माइकोमा, उसी तरह से लिम्फ जो होता है दैट इज लिम्फोमा, एंड बोन्स में होने वाले कैंसर को हम ऑस्टियोमा कहते हैं, बिकॉज ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टिया इज related with the study of bone. Now we are coming on to the third category, and it is one and only the type of blood cancer. Leukemia is a kind of blood cancer only. इसमें सिर्फ और सिर्फ blood में होने वाले cancer की बात होती है। यहाँ पे होता क्या है कि ब्लड में अचानक से WBCs का नंबर बढ़ जाता है, और WBCs का नंबर बढ़ जाने से हमारे ब्लड सेल जो होते हैं उनमें लम्प्स बन जाता है। सेल्स का नंबर ज़्यादा होना ही कैंसर होता है। तो WBC यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, अचानक से उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है, उनका डिवीज़न ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड में सेल्स का नंबर बढ़ना यानी कि ब्लड कैंसर कॉज करना, तो दिस इज़ नोन एज ल्यूकेमिया एंड इट इज़ नोन एज ब्लड कैंसर। तो हमें 3 टाइप्स ऑफ कैंसर्स देखने के लिए मिला। तो ये तीनों जो है ये कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को अपने साथ क्या करते हैं, ऐड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। नाउ ये तो हमें समझ में आ गया कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर के जो कार्सिनोजेन है क्या है, कैंसर कितने तरह का होता है, और अगर कैंसर ट्यूमर के फॉर्म में तैयार है तो ट्यूमर कितने टाइप्स का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें डिटेक्शन होगा और क्या क्या है हमारे सिग्नल्स। अगर किसी बंदे को कैंसर हुआ है तो फिजिकली हम कैसे समझेंगे उस बंदे के अंदर क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, और साथ ही अगर मेडिकली उस चीज़ को डायग्नोज करना है, उसकी जांच करनी है कि कैंसर है या नहीं, तो वो कैसे होता है। तो हम दोनों देखेंगे, एक कॉमन सिम्टम्स जो एक कैंसर के पेशेंट में नज़र आएगा, एक डेंजर सिग्नल्स, और दूसरा कि हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कैंसर को। तो लेट्स हैव सम कॉमन सिग्नल्स और द सिम्टम्स ऑफ कैंसर अलॉन्ग विथ डिटेक्शन, यानी कि कैसे होती है जाँच। Now we are having the symptoms or signs of cancer along with the detection of cancer. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर एक person को cancer हुआ है तो एक normal आदमी किस तरह से समझ सकता है कि उसको cancer related कुछ problem हो रही है, या फिर वो किस तरह से समझ सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई cellular abnormality हो चुकी है जिससे उसको काफ़ी सारे symptoms नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका सिम्टम है वो ये बताया गया कि कोई भी बदलाव अगर होता है दो चीज़ों में, मोल, मोल का मतलब होता है तिल होना, चेहरे पे ब्लैक या ब्राउन कलर के जो तिल होते हैं, अचानक से उनका नंबर बढ़ने लगे या अचानक से उनकी साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी होने लगे, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ टाइप ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड विथ कैंसर। वाट, वाट का मतलब होता है मासा होना, मासा जो और तिल में फ़र्क होता है, दोनों का डिफरेंस आपको बखूबी पता है, तो जो मासा होता है वो लम्ब्स होता है, उसमें मसल्स जो होते हैं ना जमा हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बन जाता है, एक लम्पी नेचर होता है मासे का। तो दोनों के साइज में अगर अचानक से कोई चेंजेस होने लगे तो वो एक कैंसर कॉजिंग इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ अ लम्प इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट, यानी कि ब्रेस्ट में या बॉडी के किसी दूसरे हिस्से पर गांठ पड़ जाना, यानी कि लम्पी हो जाना, वहाँ पर एक मास क्रिएट हो जाना, एक मास ऑफ सेल का बन जाना, ये भी एक कैंसर का सिम्टम है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट चेंज इन नॉर्मल बॉवल हैबिट, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि जो खाना खाते हैं हम या खाना निगलते हैं वो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसा ना होकर उसमें कुछ बदलाव हो जाना, यानी कि आपके गले में दर्द होना, अगर आप फूड को स्वेलो कर रहे हैं, भोजन को निगल रहे हैं, तो उस समय एक पेन होना, वो भी एक रीज़न है, और साथ साथ ऐसा होने से इनडाइजेशन की भी संभावनाएं होती हैं, यानी कि अनपच जो होता है वो भी देखा जाता है, बार बार वॉमिटिंग का होना और गले में खाने निगलने में प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, यानी कि बिना किसी रीज़न, बिना किसी यूजुअल बिहेवियर के बॉडी से ब्लड का बाहर निकलना, जैसे कफिंग हो रही है तो ब्लड का बाहर निकलना, मुँह से ब्लड आना,
जैसे फीमेल्स में जो होते हैं ड्यूरिंग वेजाइनल सिक्रीशन, अगर वो फ्लूइड जो है अनयूजुअली डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कैंसर का एक रीज़न हो सकती हैं। लॉस ऑफ बॉडी वेट विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी वजह के आपके वज़न में धीरे 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 गिरावट होना, वज़न कम होते जाना, ये भी एक सिम्टम है या सिग्नल है जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो ये हुआ एक नॉर्मल बिहेवियर जो एक इंसान में हो रहा है, लेकिन इससे जुड़े हुए कई रीज़न आपके माइंड में आ सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि ये कैंसर कॉजिंग रीज़न ही है, हो सकता है कि फूड निगलने से या डाइजेशन सही नहीं होने से आपके माइंड में कैंसर ना आकर ये कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब जो रीज़न्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर रिलेटेड ही हो, क्योंकि ये सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये कई सारे अलग अलग बीमारी में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग या मेडिकल ने जिस तरह से डिटेक्शन किया, मेडिकल के अकॉर्डिंग हमें जो डिटेक्शन बताई गई है कि किस तरह से हम कंफर्म हो सकते हैं कैंसर को लेकर, वो आपके सामने यहाँ पे डिटेक्शन मैंने आपको बताया। तो डिटेक्शन ऑफ कैंसर की बात अगर करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है दैट इज़ बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी टेस्ट जो है ये हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें हम सस्पेक्टेड टिश्यू की जांच करते हैं, यानी कि जिस टिश्यू में एबनॉर्मलिटी हुई है, जहां पर प्रॉब्लम हुआ, जहां पर तकलीफ है, हम उस टिश्यू के कट सेक्शन को लेकर हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर लेते हैं और माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाती है और उनमें नंबर ऑफ सेल्स को देखा जाता है कि सेल्स में किस तरह की एबनॉर्मलिटी हुई है। तो बायोप्सी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू लेते हैं और उसके थिन कट सेक्शंस को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऐसा डायग्नोसिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज की स्टडी होती है, दैट ब्रांच इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, कई सारे टेक्निक्स हमें बताए गए, जैसे रेडियोग्राफी यानी कि एक्सरे करके भी देखा जा सकता है कि अंदर में कहीं पर लम्ब्स क्रिएट हुआ है या नहीं, कहीं पर वो गांठ पड़ी है कि नहीं, या मसल्स एबनॉर्मल तो नहीं दिख रहे। नंबर टू, सीटी स्कैन दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये कंप्यूटर के मदद से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, यानी कि इस तरह का जो प्रोसीजर है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सेकंड इज, थर्ड इज एमआरआई टेस्ट दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो आपका एमआरआई टेस्ट होता है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मेथड। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 100% श्योर करेंगे कि आपके अंदर जो एबनॉर्मलिटी है वो कैंसर की ही है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो सैंपल्स, ब्लड टेस्ट करने के बाद, बोन मैरो सैंपल्स को जांचने के बाद भी ये डायग्नोज हो सकता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के जो भी फ्लूइड हैं अगर वो अचानक से किसी रीज़न के बिना डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उस फ्लूइड के सैंपल की भी जांच होगी कि अचानक से इनके डिस्चार्ज होने के पीछे इनका सेल काउंट बढ़ना रीज़न है। जिस भी सेल का, जिस भी टिश्यू का या जिस भी फ्लूइड का सेलुलर एबनॉर्मलिटी देखा जाएगा, उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन देखा जाएगा, वहाँ पे ये डायग्नोज होता है कि दैट पार्टिकुलर टिश्यू, वो जो पार्टिकुलर टिश्यू है दैट इज़ कैंसर सस्पेक्टेड, है ना। तो कैंसर के डिटेक्शन और कैंसर के ड्रेडफुल सिग्नल्स या ड्रेडफुल सिम्टम्स हैं वो हो गए ये। अब बात आती है कि जब डायग्नोसिस हो जाती है तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोसिस करने के अकॉर्डिंग ये तक जानते हैं कि कैंसर किस स्टेज में है, मींस कितने सारे सेल्स हैं जो एबनॉर्मली ग्रो कर चुके हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है ट्रीटमेंट की और किस तरह से पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो कुछ टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो कि हमें कैंसर से बचा सकते हैं, तो वो आपको देखना है कि कितने तरह के वैसे ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाउ वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना। किस तरह से कैंसर का इलाज पॉसिबल है, क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कीमोथेरेपी के बारे में आपको बताया गया, क्योंकि ये सबसे कॉमन और सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कीमोथेरेपी। इसमें ड्रग्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये हमारे कैंसरस सेल को या तो किल कर देते हैं या तो उनके डिवाइड करने की कैपेसिटी को बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं। अगर हमारे कैंसरस सेल डिवाइड हो भी रहे हैं तो वो निग्लिजिबल पावर से डिवाइड होते हैं, काफ़ी स्लो हो जाता है उनका डिविजिबल कैपेसिटी, है ना। लेकिन इस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे देखे जाते हैं, जैसे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि हमारे जो ब्लड में आयरन होते हैं दैट इज़
एनीमिया पर्सन एनीमिक हो सकता है। नंबर टू, हेयर लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। तो इस पार्टिकुलर थेरेपी से हेयर लॉस जो होता है ये एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड और काफ़ी ओवरडोजेस ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी का यूज़ ब्लड कैंसर में किया जाता है, दैट इज़ ल्यूकेमिया। और ये दो स्पेशल ड्रग्स जिसका नाम आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जिनको ब्लड कैंसर होने वाले पेशेंट के कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल रिमूवल। ये हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक हमारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं जो उनमें मेटास्टेसिस शुरू नहीं हुई है। मेटास्टेसिस अगर शुरू हो जाएगी तो आप कितने सारे सेल्स को काट कर हटाएंगे। तो मेटास्टेसिस शुरू होने से पहले ही अगर हम हमारे सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं हमारे उस पार्टिकुलर सेल का, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऑफ कैंसर। तो सर्जिकल रिमूवल जो होता है वो तब तक ही हो सकता है जब तक मेटास्टेसिस शुरू नहीं हुई है, जब तक दूसरे कई सेल्स पर अफेक्ट नहीं पड़ा है। तो एक पार्टिकुलर टिश्यू को हम उस जगह से काट कर हटा देते हैं ताकि हमारे दूसरे सेल पर इसका इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू रेडियोथेरेपी। कई सारे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके उस पार्टिकुलर कैंसरस सेल पे हम एक्शन डालते हैं ताकि उस पार्टिकुलर कैंसर सेल को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो कई सारे ऐसे रेडियो वेव्स हैं जिनको फोकस किया जाता है कैंसर सेल पर, जिसका एग्जांपल्स में आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट कैन बी आयोडीन, दैट कैन बी कोबाल्ट, दैट कैन बी रेडॉन। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हम कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम हमारे इम्यून सिस्टम को कैपेबल बनाते हैं ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। यहाँ पर हम हमारे इम्यून को मॉडिफाई करते हैं, हम उसके अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर से फाइट कर सके। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ती हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको बायोटेक्नोलॉजी जब स्टार्ट होगा हमारा, जब बायोटेक्नोलॉजीज़ का वीडियोज़ आपको मिलेगा उसमें आप कंप्लीट समझेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किस तरह से हेल्पफुल हैं और वो किस तरह से हमारे लिए काम करती हैं। ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, यानी कि कैंसर जिस दुश्मन की वजह से हुआ है उस पार्टिकुलर दुश्मन पर अटैक करने के लिए हम एक एंटीबॉडी अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो उस पार्टिकुलर कैंसर एंटीजन से लड़ सके, है ना। नंबर टू है अल्फ़ा इंटरफेरोन। अल्फ़ा इंटरफेरोन जो है वो एंटीवायरल थेरेपी में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी है कैंसर का। अगर कैंसर का कॉज एक ऑन्कोजेनिक वायरस है जो अंदर जाकर ऑन्कोजीन को एक्टिव करता है, तो उस समय हम अल्फ़ा इंटरफेरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने में करता है मदद, है ना। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द ट्रीटमेंट। और भी बहुत सारा ट्रीटमेंट है, जैसे ही हमारा कैंसर बॉडी में स्टार्ट हुआ उस प्रोसीजर को उसी वक्त अगर उस कैंसरस सेल को रोक दिया जाए और उसको किसी दूसरे कैंसर सेल पर अटैक करने से उसको प्रोहिबिट किया जाए तो भी हम कैंसर को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये कुछ हो गया हमारे कॉमन ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैंसर की बीमारी का इलाज पॉसिबल है, और उसके इलाज के साथ साथ आपको ये भी समझ में आया कि हमारे जो कैंसर होते हैं ये बॉडी के किसी भी टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इनका दो बिहेवियर होता है। एक, जब ये एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है तब वो कहलाते हैं बेनाइन ट्यूमर, लेकिन जब ये हार्मफुल हो जाते हैं और कई जगह पर मेटास्टेसिस के जरिए पहुँच जाते हैं, देन दीज आर नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारा जो हेल्थ है, हमारे इस हेल्थ फैक्टर में कई ऐसे डिजीज़ हैं जिसके सिम्टम्स तो हमें पता होते हैं लेकिन हम डायग्नोज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की बॉडी में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन, हमें उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और समझ कर पढ़िए ताकि आप इस बीमारी और इस बीमारी के इलाज या किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली समझ सके और आप अपने नॉलेज में गेन कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा कैंसर जो कि हमने फिनिश किया हमारे ट्रीटमेंट पर। तो अगली वीडियो जो होगी हमारी वो होगी ड्रग्स टॉपिक की। टिल देन प्लीज़ शेयर मोर एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।